खबर है मुंबई से सटे इलाके मीरा भाईंदर के काशी मीरा की, जहां रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट और पूर्व पत्रकार संतोष मरकड़े तिवारी, जिनके खिलाफ नया नगर पुलिस स्टेशन में इंडिया अनबाउंडर समूह के संपादक नित्यानंद पांडे ने संतोष तिवारी पर मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि इस मामले पर नित्यानंद पांडे ने इंडिया अनबाउंडर के निजी कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी, जिसमें पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मूलतः यूपी के बलिया जिला के चिंतबड़ा गाँव के रहने वाले संतोष तिवारी पर मुंबई समेत यूपी के पुलिस स्टेशनों में पत्रकार के नाम पर धौंस जमाने और लोगों को परेशान करने और उनकी छवि खराब करने को लेकर मामला दर्ज है। आप लोगों के माध्यम से हम ये सूचित करना चाहते हैं, एक हमारा फ्रीलांसिंग पूर्व एम्प्लॉई संतोष मारकंडे तिवारी, जो हमारे यहाँ फ्रीलांसिंग कुछ दिन पहले लगभग 2015 में ज्वाइन किया था, उसके बाद अपने आप को एक फर्जी आरटी एक्टिविस्ट कहकर और लोगों के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ इस तरीके से बोल के इंडिया अनबाउंड से जुड़ गया था। तो मैंने उसको मौका दिया एक साल के लिए टेम्परली, तो हमारे साथ रहते रहते उसने बहुत सारे लोगों का एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया आरटीआई के माध्यम से, जानकारी लेना बाद में अधिकारियों को, मीरा बांदर के कुछ उसमें अधिकारी शामिल हैं जिनके आरटी लगाकर उनसे पैसा उगाही करना, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश बलिया तक इसके कारोबार बढ़ते चले गए और हमारे कार्ड के माध्यम से वहाँ पे लोगों को धमकी देकर, पुलिस वालों को धमकाना, उनके खिलाफ गांव, पूरे गांव के खिलाफ खोटा FIR तक लॉन्च कराया। इस तरह की कंप्लेन आने के बाद मैंने इसको निकाल दिया, हमारे यहाँ इंडिया अनबाउंड में इसका कार्ड रिन्यू नहीं किया। और इसकी जानकारी जब हमने हमारे पेपर में छापी कि अभी संतोष मारकंडे तिवारी का इंडिया अनबाउंड से कोई लेना देना नहीं है, तो इसने हमसे बदला लेने के लिए हमारे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, इन सब जगहों पे हमारे फोटोग्राफ्स को निकालकर, हमारे परिवार के फोटोग्राफ्स को निकालकर उसमें गलत सलत दुष्प्रचार कि मैं दलाली करता हूँ, मैं बड़े बड़े IAS IPS को लड़की सप्लाई करता हूँ BMW में ले जाकर, इस तरीके का दुष्प्रचार इसने करना लगभग 2 महीने से शुरू कर दिया। फिर लोगों का कंप्लेन आने के बाद मैं हर इसकी हरकत पे जाके नया नगर पुलिस स्टेशन में NCR FIR लॉन्च कराने का कोशिश करता रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से, बट नया नगर पुलिस भी इस मामले को डिफर्मेशन केस समझकर 500 और 501 का धारा समझकर NC लिखकर छोड़ देती थी। बट अभी जब इन ये हरकतें कुछ ज़्यादा ही करने लगा, उसमें इसने IAS IPS मुख्यमंत्री के साथ हमारा एक फ़ोटो था, उनके घर पे हम लोग गए थे, डिनर में इनवाइट थे, तो उनके फ़ोटो को भी लेके इसने मॉबिंग करके, चेंजेस करके, उसमें गलत सलत लिख के सब लोगों को टैग किया। फिर मजबूरी में हमको इसके इस कारनामे को रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास जाना पड़ा, जिसको संज्ञान में लेते हुए हमारे यहाँ एक मीरा भाईंदर में IPS अतुल कुलकर्णी साहब आए हैं, जो कि IT से इंजीनियर हैं, जिन्हें साइबर क्राइम का बहुत जानकारी है। उन्होंने इसको तहत से, हर सेक्शन से, हर एक्ट से इसकी जानकारी ली, तो इसमें पाया गया कि ये क्लियर कट साइबर क्राइम एक्ट के 66, 67, 72, 500, 501 के अंतर्गत बैठता है। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, ये आदमी का फितरत ऐसे ही रहा है, इसलिए पिछले 6-7 सालों से कभी इसके खिलाफ आप देखेंगे तो कम से कम 30-40 गुना इस तरीके का अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज मिलेगा, जिसमें कभी पत्रकार के खिलाफ, कभी पुलिस वाले के खिलाफ, कभी किसी व्यापारी के खिलाफ, कभी कर्मचारी के खिलाफ, इसने इसी तरीके की हरकत की। अभी थोड़े दिन पहले नौघर पुलिस स्टेशन में इसी इसके ऊपर 66 धारा के अंतर्गत, सेम IT एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। इसके पहले भी यहाँ पे कुछ एक अपना समय के पत्रकार हैं अनिल नौटियाल, उनके साथ ऐसे हरकत किया था। ये FIR हमने 15-5 को FIR नया नगर पुलिस स्टेशन में IT एक्ट 500-501 के अंतर्गत दर्ज हो गया। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन खुद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालाजी पांडे साहब कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि और जो भी गुनाह, जो भी इसने गुनाह किए हैं IT एक्ट के अंतर्गत, वो सारी धाराएं इसमें जरूर लागू कराएंगे
जो कि हमारी पैरवी है उनसे, कि 66 आईटी एक्ट इसमें बैठता है, 72, क्योंकि उसने हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट आईटीआई के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से निकाल कर हमारे पासपोर्ट, हमारे एक्रेडिटेशन कार्ड, हमारे सर्टिफिकेट्स उस पर गलत सलत लिख कर उसने वायरल किया है सब जगह पे, वो 72 का सरेआम उल्लंघन है। और हमारी फ़ोटो, हमारे साथ में किसी का फ़ोटो लेके उस पर मॉर्फिंग करना, उस पर चेंजेस करना, उस पर गलत सलत लिख के वो प्रचार करना, वो 66 का आईटी एक्ट का उल्लंघन है। पहली बार ऐसा हुआ था कि मीरा भाईंदर में एक 3 पत्रकारों पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें एक पत्रकार की मौत हो गई थी, राघवेंद्र द्विवेदी जी। तो हमारा जितना भी पत्रकार मित्र है पूरे महाराष्ट्र से, न केवल महाराष्ट्र से बल्कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली से भी लोगों का समर्थन मिला, और हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और वो आवाज़ पूरे मीरा भाईंदर में बार माफियाओं के खिलाफ चला। फिर उस टाइम के एसपी राजेश प्रधान साहब ने सीरियसली लेते हुए बहुत कार्रवाई भी किया, और जिस बार माफिया ने इन 3 पत्रकारों पर हमला किया, जिसमें से 2 संतोष मिश्रा, एक मुंबई हेडलाइन के संपादक हैं जिनकी जान जाते जाते बची, उनकी आंख आज भी चली गई है, और एक शशि शर्मा है जो दबंग खबरें न्यूज़पेपर निकालते हैं मीरा भाईंदर, उनके ऊपर अटैक हुआ, वो भी मरते मरते